हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूं इंडिया की वन एंड ओनली आरसी सुपरा MK4। ये ट्रैक्सेस वाली सुपरा मैंने खरीद ली है। गाइस, आप लोगों को पता होगा इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास रियल वाली सुपरा है, पर मेरे को नहीं लगता आरसी सुपरा किसी के भी पास होगी। तो आज फटाफट से ये वाली सुपरा को करेंगे अनबॉक्स और फटाफट से इसको चलाएंगे, देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कहां तक जाती है। आप लोगों ने बोला खरीदो खरीदो, मैंने खरीद लिया है। तो आपका काम है वीडियो पे लाइक करना। और एक चीज, ये बिल्कुल भी इंडिया में नहीं मिलती यार, मैंने इसको दुबई से खरीदा है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओके दोस्तों, बॉक्स को यहाँ पे मैंने रख दिया है, बॉक्स को कट करते हैं। इसके ऊपर अलग बॉक्स है, अंदर जो है असली माल छिपा है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर से करना और नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि रियल वाली सुपरा किसके किसके पास है। ये रही हमारी ट्रैक्सेस सुपरा MK4। भाई साहब, क्या ही खतरनाक दिखाई दे रही है यार, एक बार उसका लुक तो देखो। ये कंप्लीटली टोयोटा की ऑफिशियल लाइसेंस्ड सुपरा MK4 है। लुक तो भाई काफी ज्यादा लाजवाब है, दिखने में पूरी की पूरी रियल सुपरा जैसी ये दिखाई दे रही है। इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 4Tech 3.0 की चैसिस भी यूज की गई है, साथ में अल्ट्रा वाइड रेसिंग टायर्स भी यूज किए गए हैं। तो चलो गाइस, बिना वक्त वेस्ट के फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है गाइस कि ये ट्रैक्सेस सुपरा की स्पीड जो है कितनी तक जा सकती है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ इसकी फाइट और इसकी रेस कौन सी कार के साथ मुझे करानी चाहिए। यहां से मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है। अरे यार, ये तो पूरा सील पैक मेरे को लग रहा है। ओके, यहां से खुल जाएगा, मैं इसको खींच के निकाल लूंगा बाहर। ये आ चुकी है हमारी ट्रैक्सेस सुपरा MK4। ये इसका यूजर गाइड है, यहाँ पे टोयोटा की ब्रांडिंग भी आप देख सकते हो, टोयोटा सुपरा GT4 बोल के दिया गया है। ओके, कुछ पार्ट्स वगैरह भी दिए गए हैं, एक स्पैनर भी है, कुछ एलन कीज भी दी गई है। अब निकालने वाला हूँ मैं हमारी ट्रैक्सेस सुपरा MK4 को। अरे बाप रे, क्या ही खतरनाक सी दिखाई दे रही यार, पूरी की पूरी रियल सुपरा जैसे ही ये दिख रही है। कलर वगैरह, डिजाइन वगैरह आप देख लो भाई, आज सच बता रहा हूँ इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स ये तोड़ने वाली है, ऐसा मेरे को लग रहा है। साइज काफी ज्यादा बड़ा है, ये 1:10 स्केल मॉडल पे बनाई गई है। तो अब इसको मैं एकदम डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और यार, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, इसके साथ इसका रिमोट भी मिलता है। तो रिमोट दिखा देता हूँ एक बार में। बैटरी नहीं मिलती है, बैटरी अलग से खरीदनी पड़ती है। तो मेरे पास आपको पता होगा बहुत सारी ट्रैक्सेस की कार्स है, तो उनकी बैटरी इसके अंदर लग जाएगी। वो बैटरी मैं आज इसके अंदर डाल के चलाने वाला हूँ। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, जैसे ट्रैक्सेस कार के अंदर रिमोट होता है वैसा ही ये वाला भी है। सामने के व्हील्स को अलाइन करने के लिए एक नॉब दिया गया है, ये इसका ट्रिगर है। ट्रैक्सेस की ब्रांडिंग तो आप देख ही सकते हो, ये ऑफिशियल लाइसेंसड होने के कारण सामने टोयोटा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। सुपरा GT4 बोल के दिया गया है। सामने ग्रिल वगैरह देख सकते हो, बिल्कुल रियल सुपरा जैसी ही दी गई है। टायर्स की बात करूँ तो भाई देख लो, इसके अंदर ये वाले टायर्स मिलते हैं। तो ये टर्न नहीं हो रहा है, मैं इसको खोल के भी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले देख लो, साइड मिरर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सामने की तरफ एक बड़ा सा बम्पर भी दिया गया, अगर ये किसी से टकरा भी जाती है तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण मेरे को नहीं लगता ये बिल्कुल भी टूटेगी फूटेगी। यहाँ पे देखो, जैसे रियल सुपरा में स्पॉइलर होता है उसी तरीके का टोयोटा गैजो रेसिंग का स्पॉइलर भी इसके ऊपर दिया गया। नीचे की तरफ से इसका जो बॉडी कवर है वो मैं खोल लेता हूँ। मेरे को लगता है ये सुपरा बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने वाली है, इसको पहले हटा देते हैं। इसके अंदर 12T550 टाइटन मोटर दी गई है, यहाँ पे XL5 का ESC है। ये ब्रशड है गाइस, देखते हैं ब्रशड में ये कितनी स्पीड से चल पाती है। आने वाले दिनों में मैं इसके अंदर बहुत सारे अपग्रेड्स भी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसका रिसीवर बॉक्स है, नीचे की तरफ सर्वो दिया गया, ये इसका रिसीवर का एंटीना है। यहाँ पे बैटरी लग जाएगी, बैटरी का काफ़ी बड़ा स्लॉट है, इसके अंदर बड़ी वाली बैटरी भी हम लोग लगा सकते हैं। ये इसके टायर्स है, टायर्स के यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके का डिज़ाइन है। टायर्स के ऊपर जरा भी ग्रिप आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑन रोड कार है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलने वाली है। नीचे से भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। सामने से एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो अगर ये सामने से टकरा भी जाती है तो ये बम्पर इसको संभाल लेगा। इस तरीके के सस्पेंशन सामने की तरफ भी दिए गए हैं और पीछे की तरफ भी। अब ये ना एक ऐसी कार है सुपरा, आप इसके अंदर जितनी चाहे उतनी अपग्रेड्स करा सकते हो, आप इसके अंदर जितने पैसे लगाओगे ये कार उतनी ही ज्यादा फास्ट चलती रहेगी। तो आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। तो उससे पहले गाइस, फटाफट से ये वीडियो के ऊपर आप 50K लाइक जरूर से कर देना। ये वाली किट भी मैं अपग्रेड करूंगा, साथ में इसका ये जो डुअल एग्जॉस्ट है ये निकाल के इसके अंदर रियल वाला एग्जॉस्ट भी मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। चलो गाइस, फटाफट से 50K लाइक्स ये वीडियो पे जरूर से कर देना। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ
कि ये कार के साथ मैं आज रेस कराने के लिए कौन सी कार्स लाया हूँ। तो हाँ जी भाई साहब, आज देख लो MK4 के साथ रेस करने के लिए हमारी वेंडेटा आ चुकी है। आपको पता होगा गाइस वेंडेटा कितनी ज्यादा खतरनाक RC कार है। वेंडेटा के साथ कंपैरिजन करूं तो यार दोनों देखो बिल्कुल सेम टू सेम साइज के हैं। अगर टायर्स की बात करूं तो टायर्स भी दोनों के अंदर मेरे को सेम ही लग रहे हैं, पर इसके टायर्स के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा ग्रिप दी गई है। बाकी दोनों ही ऑन रोड कार्स है। साथ में अपने पास देखो हाइपरगो की एक बहुत ही तगड़ी वाली कार भी आ चुकी है। आपको पता होगा ये कार दिखने में थोड़ी सी छोटी है, पर भाई इसको मैं जब रोड पे चलाऊंगा ना, आप सच बता रहा हूँ, हैरान रह जाओगे इसकी स्पीड देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं इन कार्स को टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं सुप्रा को चलाने वाला हूँ। देखो काफी बड़ी रोड है, जैसे मैंने ट्रिगर प्रेस किया है कार पूरी तरीके से रॉकेट बन चुकी थी और यहाँ पे अनबैलेंस होकर क्रैश भी हो चुकी है। यार मैंने जितना सोचा था ये कार उससे बहुत ज्यादा फास्ट है भाई साहब, मेरे को तो यार चक्कर आ चुके हैं इसकी स्पीड देखकर। यहाँ से मैं इसको टर्न करा के अभी ब्रेक लगाने वाला हूँ, देखते हैं। अरे बापरे, ब्रेक भी क्या ही खतरनाक दिए गए यार ये कार के अंदर। भाई इसको चलाने में मेरे को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, पूरी की पूरी रियल सुप्रा जैसी है दिखाई दे रही है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं क्या ये कार ड्रिफ्ट भी कर सकती है या फिर नहीं। यहाँ पे मैं ड्रिफ्ट कराने वाला हूँ। ओ भाई क्या ही खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है यार। इसको ड्रिफ्ट करने के लिए काफी बड़ी रोड चाहिए। देखो थोड़ा थोड़ा ये मिट्टी में भी जा रही थी। बाकी बहुत ही खतरनाक कार है यार, मजा आ गया भाई। अब दोस्तों मैं सुप्रा की रेस कराने वाला हूँ हाइपरगो कार के साथ, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। सुप्रा के अंदर इनिशियल पिकअप बहुत ज्यादा दिया गया है, ये हाइपरगो को आप कम मत समझना गाइस। देख रहे हो इसको पूरी बराबर की टक्कर दे रही है। यहाँ से मैंने दोनों को टर्न करा लिया है। अरे बाप रे, सुप्रा ने तो भाई काफी इजिली ये हाइपरगो कार को ओवरटेक कर दिया था फर्स्ट राउंड में भी, सेकंड राउंड में भी। देख रहे हो दो बार यहाँ पे सुप्रा जीत चुकी है, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। इस बार भी भाई साहब सुप्रा ने यहाँ पे कमाल कर दिया यार, तीन बार सुप्रा जीत चुकी है। क्लियरली गाइस यहाँ पे सुप्रा को नहीं हरा पा रही है हाइपरगो कार। तो अब सुप्रा के साथ रेस करने के लिए वेंडेटा आ चुकी है, देखते हैं गाइस क्या वेंडेटा इसको हरा पाएगी या फिर नहीं। चलो ये लो भाई साहब, दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। अरे बाप रे, दोनों के बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। दोनों की स्पीड उतनी ही मेरे को लग रही है यार, सुप्रा जितनी स्पीड से चल रही है वेंडेटा भी उतनी स्पीड से चल रही है। ये देखो फर्स्ट राउंड में सुप्रा ने काफी आसानी से जीत लिए रेस। अब देखते हैं सेकंड राउंड में कौन जीता है। सेकंड राउंड में भी सुप्रा आ गया है, पर वेंडेटा भाई इसकी बात मेरे को लग रही है, जरा से डिस्टेंस से वेंडेटा ने सुप्रा को हरा दिया था। इस बार भी देखो सुप्रा आगे निकल चुकी। ओ भाई क्या हो गया ये, भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना भयंकर होगा। यहाँ पर आकर बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो चुकी है यार। ये ऊपर का जो बॉडी कवर है यहाँ से अलग हो चुका है, मेरे को लगता है इसको ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। अगर मैं इसको इस तरीके से बिठा दूंगा ना तो ये चलेगी यार, एक बार चला के देखते हैं इसको। तो भाई देख रहे हो अभी भी एकदम परफेक्टली चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं, यहाँ पे भी बहुत सारा डैमेज हुआ है वेंडेटा को भी। ये इधर से बेंड हो चुका है। बापरे, काफी भयंकर वाली टक्कर थी यार। मेरे को लगा कि दोनों कार्स के पर कच्चे उड़ जाएंगे, पर दोनों ही कार्स अच्छी खासी मजबूती से बनाए गए हैं। फिर से दोनों के बीच में मैंने रेस को स्टार्ट कर दिया। दोनों की स्पीड 100 के आसपास थी यार। वापस से एक और एक्सीडेंट हो चुका है। अरे बाप रे, यहाँ तो एक और भयंकर वाला एक्सीडेंट हो चुका है। इसका बॉडी कवर वापस से अलग हो चुका है और कार आके यहाँ पे गिरी है। थोड़ा इसको मैं साइड में ले लेता हूँ यार, इसको भी साइड में ले लेते हैं। इसको पीछे से टक्कर मारी थी। अरे बापरे, ये पूरी तरीके से टूट गया भाई। देखो ये तीन टायर्स घूम रहे हैं, ये टायर यहाँ पे घूम नहीं रहा है। इसका यहाँ का जो डॉग बोन है वो टूट के निकल चुका है टक्कर होने के कारण। अभी यार इसको रिपेयर करना पड़ेगा मेरे को, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पार्ट्स आते हैं इसके। भाई काफ़ी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, टक्कर इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि देखो यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें टूटी है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सामने का बंपर क्रैक आ चुका है, ऊपर की तरफ पिछली बार जब टकराई थी यहाँ पे स्क्रैच गिरा था, इस बार यहाँ पे भी स्क्रैच गिर चुका है और सामने का ये जो पार्ट है पूरा का पूरा स्क्रैचेस से भरा पड़ा है यार। तो यार अनफॉर्चुनेटली मेरे को रेस यहीं पे ही रोकनी पड़ रही है क्योंकि इसके सिर्फ तीन टायर काम कर रहे हैं। अगर मैं इसी तरीके से इसको चलाऊंगा ना तो वेंडेटा इसको काफी आराम से हरा देगी। तो इसको रिपेयर करने के बाद, इसको अपग्रेड करने के बाद आने वाले वीडियो में मैं इसको वापस से वेंडेटा के साथ और कौन सी कार के साथ इसकी रेस करानी चाहिए मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो इसके अंदर मैं क्या क्या अपग्रेड करूंगा वो एक बार बता देता हूँ। पीछे का जो एग्जॉस्ट किट है वो अपग्रेड करने वाला हूँ। जैसे मैं कार को चलाऊंगा ना तो इसके अंदर से धुआं भी निकलेगा, साथ में
रटाटाटा की जो आवाज है वो भी इसके अंदर से आने लगी। तो ये रही वो किट जो कि आने वाले दिनों में मैं सुप्रा के अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसको लगाने के बाद जैसे रियल सुप्रा के अंदर आवाज आती है ना, वैसे ही ये हमारी आरसी सुप्रा भी आवाज करने लगेगी। साथ में जो ये फ्लेम थ्रो करती है ना यार एग्जॉस्ट में से, उसी तरीके से ये वाली किट लगाने के बाद अपनी आरसी सुप्रा भी फ्लेम थ्रो करने लगेगी। भाई सोचो इसको लगाने के बाद जब हम इसको रोड पे चलाएंगे तो कितना ज्यादा मजा आएगा। तो चलो गाइस अभी मैं दूंगा शाउट आउट। ठीक है गाइस, आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है शिवा, जमा हैदर, अर्पन, मयंक, पवन, राकेश, यश, आयुष, इमाद, सुब्रजीत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।